नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश GK का मॉक टेस्ट नंबर 2 जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आपको पसंद आएंगे। तो पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट ज़रूर करना और अपने जो भी मार्क्स बनेंगे वो प्लीज़ कमेंट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रचलित एवं उपयुक्त गौधन की वह नस्ल जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लाल सिंधी, साहिवाल, थारपाकर, पंवार, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल सिंधी इज़ द राइट आंसर। बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो अगर आपने पहला क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लाल सिंधी, साहिवाल तथा थारपाकर हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किसकी नस्लें हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसमें इसी के रिलेटेड पूछा था। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है गाय, जो कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, निदेशालय मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिमला, बिलासपुर, मंडी और धर्मशाला। तो आपको बताना है कहाँ पर है। तो आई होप दोस्तों आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलासपुर। तो एशिया का सबसे बड़ा जो फिशरी फार्म है वो भी बिलासपुर में है, देवली में, ठीक है, आपको पता होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ज्यूरी, सरौली, नगवाई, ताल, कड़छम और चूड़ी में किन पशुओं के प्रजनन केंद्र है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन देख लीजिए, गाय, भैंस, भेड़ या कुकुट, ठीक है, कुकुट। तो आई होप दोस्तों आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसका राइट आंसर रिवील हो ही गया मुझसे, तो इसका राइट आंसर होगा भेड़। तो अब तक तो आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भेड़। भेड़ के जो प्रजनन केंद्र है वो है ज्योरी में, सलोनी में, नगवाई में, ताल में और कड़छम में। आपको ये पांचों जगहें याद रखनी है, ज्योरी, सरौली, नगवाई, ताल और कड़छम, ठीक है, और ये चूड़ी। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सद्धार झरना प्रदेश के निम्न में से किस नगर के समीप स्थित है। तो सद्धार झरना बताना है आपको, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डलहौजी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें सिक्स क्वेश्चन की, सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन मंडी। सूरजताल व चंद्रताल नामक झीलें किस प्रदेश में हैं। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों, ये जो झीलें हैं वो है लाहौल स्पीति में, और आपको बताना है चंद्र नाहन जो झील है वो किस जिले में है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सेवन्थ क्वेश्चन, ज्वालामुखी नामक झरना प्रदेश में किस स्थान पर है। तो आसान क्वेश्चन है, ज्वालामुखी। तो आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नदौन, ठीक है, नदौन इज़ द राइट आंसर। बात करें एट्थ क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास, महाकाली, डल झील, मणिमहेश, चंद्रताल, ठीक है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिमहेश झील, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मणिमहेश झील जो है वो कहाँ पर है। तो चंद्रताल मैंने आपको बताया लाहौल स्पीति में है, डल झील है आपकी कांगड़ा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लामा झील, ठीक है, लामा झील इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका क्षेत्रफल कितना है। आपको पता होगा भाखड़ा बांध के बनने से ही गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। तो ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ये तो आपको पता होगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 88 वर्ग मील, ठीक है। तो ये 88 वर्ग मील तक फैली हुई है, सॉरी 88 किलोमीटर होना था, यहाँ पे मील दिया हुआ है ना, तो यहाँ अगर यहाँ पे किलोमीटर दिया होता तो 88 होता, यहाँ पे मील लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। ओ सॉरी, ये भी रिवील हो गया, पर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो रेणुका झील। तो ये यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि रेणुका जो झील है वो किसके नाम पर बनी है और उसका संबंध किससे है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा वहाँ पर। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है, कुमारवा, नाको, कमरूनाग, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रिवालसर झील, ठीक है। कुमारवा, नाको, कमरूनाग या रिवालसर, आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नाको, जो कि है किन्नौर में, ठीक है। बात करें 14th क्वेश्चन की, मंडी नगर में लगभग 22 मील की दूरी पर स्थित पराशर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3000 फिट, ठीक है। 3000 फिट इज़ द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन देख लीजिए, कांगड़ा जिले में धर्मशाला नगर के समीप निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध झील है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो कांगड़ा जिले की बात हो रही है, धर्मशाला नगर के समीप, तो इसका राइट आंसर होगा डल झील, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि डल झील जो है वो कांगड़ा में है। तो 16th क्वेश्चन, रिवालसर झील जो कि तैरने वाले टापू के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश के लिए किस जिले में स्थित है। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन ढंग से देखे हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा झरना कुल्लू जिले में स्थित नहीं है, कीरगंगा, मणिकरण, ज्योरी और वरिष्ठ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आप हर एक क्वेश्चन का सटीक जवाब दे पाओगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्योरी, ठीक है। तो ज्योरी मैंने आपको बताया भेड़ प्रजनन केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर झरने की बात हो रही है, पानी का झरना, और बाकी सभी जो झरने हैं जैसे कीरगंगा, मणिकरण और वरिष्ठ, ये हैं कुल्लू में। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा हिमनद हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो पार्वती हिमनद, लाहौल का बड़ा शिगड़ी, मियार हिमनद या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, पार्वती का जो ग्लेशियर है वो भी है, लाहौल का बड़ा शिगड़ी तो है ही, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मियार हिमनद ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है, तो मणिमहेश, कमरवा, महाकाली, लामा। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होना था कि कौन सी जो झील है वो मंडी ज़िले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कुमारवा, चंबा में है मणिमहेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील मंडी ज़िले में स्थित है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, चंद्रताल, कमरूनाग, लामा और रेणुका। तो आई होप दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कमरूनाग, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।